start a new chapter, matter and its composition. So first, what is matter? Any substance जिसके पास two quality होगा, two characteristic होगा, उसका कुछ ना कुछ mass होगा and it occupy space. अगर उसके पास space होगा, वो occupy करेगा space, तो उसको matter बोलते हैं. Example के तौर पे ये pen जो देख रहे हैं, देखिए, if it has some mass, if you place this pen it covers some space, तो ये एक space भी cover कर रहा है, इसके पास कुछ mass भी है, तो ये matter हो गया. ये whiteboard, देखिए इसका कुछ mass भी है, and ये एक space भी cover करके रखा है, तो ये भी matter हो गया. आपका mobile देखो, इसका कुछ mass है, and ये कुछ space cover करता है, तो ये भी matter हो गया. So everything what we see, if it has mass and occupy some space, it's called matter. तो एक question आता है, क्या दुनिया में हर चीज matter ही है? तो इसका answer है नहीं. कुछ चीज है जो matter नहीं है, जैसे ये light हो गया, it's not matter, क्योंकि इसका mass नहीं होता है और ये कोई space भी occupy नहीं करता है. जैसे आप current electricity, electricity जो जाता है उसको कोई mass नहीं है और ये कोई space भी occupy नहीं कर रहा है, तो ये भी matter नहीं हुआ है. आपका shadow जो होता है वो कोई space occupy नहीं करता है, इसका कोई mass नहीं होता है, तो ये भी मैटर नहीं होता है. अब आपको क्या समझना है, पूरा यूनिवर्स जो है ना दो चीज से मिलकर बना हुआ है. एक चाहे तो मैटर से बना हुआ है, दूसरा एनर्जी से बना हुआ है. तो हम लोग यहां पर मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो मैटर का प्रॉपर्टी जानने के बाद, मैटर होता क्या है, एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ये तो डेफिनेशन हो गया. नाउ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल. मैटर जो होता है ना वो बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है. जैसे देखो, अगर ये पेन ले लेते हैं, ये प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का छोटा 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 एटम मिलके ये एक मैटर बना हुआ है. तो मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं. एटम क्या होता है, मैटर जिस टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसको एटम बोलते हैं. यूजुअली जो होता है ना, बेसिकली जो होता है, ये एटम जो होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किसी ना किसी से कंबाइन करके वो मिलके एक फॉर्म बनाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है. तो यूजुअली एटम डजंट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म, तो ये क्या करता है, कंबाइन करता है. तो एटम कंबाइन टू फॉर्म, जब एटम कंबाइन करेगा तो वो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है. चलिए, एटम combine to form molecules, molecules बना लिया. तो अब molecules जो बनाते हैं ना, वो दो type का होता है. If atom combine similar type of atom, जैसे देखो ये hydrogen हो गया H2, hydrogen जब बनाते हैं तो hydrogen अपना एक atom दूसरे hydrogen से combine करता है. ऑक्सीजन एक एटम दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन करके O2 बनाता है. उसी तरह से जब क्लोरीन के केस में ले लो, क्लोरीन दूसरा क्लोरीन से मिलकर ये क्लोरीन गैस बनाता है. तो ये ऐसा जहां पे एटम सिमिलर एटम से कंबाइन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट. मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स मतलब कंबाइन करेगा, सिमिलर टाइप से कंबाइन किया तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट हो गया. अगर डिफरेंट टाइप से कंबाइन करता है, डिफरेंट टाइप से कंबाइन करता है तो डिफरेंट एटम एटम कंबाइन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड बोलते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड के एग्जांपल देख लो, सिंपल HCl. देखिए यहां पे क्या है कि एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, दो अलग-अलग एटम है ना कंबाइन किया, तो इसी वजह से इसको मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड बोलते हैं. या आप ऐसे ले सकते हैं, इसके बाद H2O. देखिए यहां वाटर में भी क्या होता है कि दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन किससे कर रहा है, वन ऑक्सीजन एटम से, तो इसको भी हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड बोलते हैं. चलिए अब तो ये क्लियर हो गया, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एटम. तो एक कांसेप्ट क्लियर हो गया, द कंपाउंड्स होते हैं ना, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स. एक क्वेश्चन आता है, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड. तो यहां से आपको दिखाना होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम रहता है तो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बोलते हैं. एग्जांपल दिखला देना, HCl, H2O, NaCl, बहुत सारा, बट अगर सेम टाइप का रहता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं. इसी वजह से एक क्वेश्चन हो रहा है कि ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड. अच्छा,
ये तो हो गया क्लियर कट। इसको वेन डायग्राम में भी हम लोग देखते हैं, वेन डायग्राम आप क्लास मैथ्स में पढ़े हो, वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम में क्या करोगे, ये देखिए ये जो बड़ा वाला नहीं है दिखला रहा है ऑल मॉलिक्यूल्स, बट ये स्मॉल वन सी द कंपाउंड, मतलब कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के अंदर में है, मॉलिक्यूल्स का छोटा सा पार्ट जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन करता है उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, डिफरेंट नहीं हो सेम हो गया तो उसको मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट बोलते हैं, ये समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं है मैटर का क्या है, तो आप देखो एग्जांपल्स ऑफ मैटर में ऑल लिविंग थिंग जिसमें आपका प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, इटीसी बहुत सारे जो है वो सब मैटर है। नॉन लिविंग में देखोगे तो आप मिनरल्स देख लो या सिंपली समझोगे तो सॉलिड हो गया, गैस और लिक्विड, सबका कुछ ना कुछ मास होता है और ईच एंड एवरीवन ऑक्यूपाई स्पेस। सो आप बोल सकते हो सॉलिड लिक्विड गैस जो है सब क्या होता है, मैटर होता है। आई होप सो ये मैटर क्या होता है एंड इसका डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ है।